अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स। मैट्रिक के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं हम लोग, तो बच्चों ने कहा है कि फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स कराएं, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड नियर द एक्सिस ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उससे पहले एक ऑब्जेक्ट रखा गया और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का साइज़ क्या होगा? तो इमेज के साइज़ को हम कहते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज, और अब इमेज कहाँ बनेगी उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय क्यू। स्टूडेंट्स, एक इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 33.33, बुक में ये मिसिंग है। तो स्टूडेंट्स, हमें एफ़ पता है, हमें पी पता है, तो हम क्यों आसानी से मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है मैट्रिक का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये उस वक्त कहते थे मिरर फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला हमारे पास है क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ये भी मैट्रिक का फॉर्मूला है। तो हम पहले यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f, f की जगह आएगा 25, 1/p, p की जगह आएगा 33.33, 1/q, q एज इट इज़। 1/q मालूम करना है, 1/33.33 डिवाइड मल्टीप्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दिस बिकम्स 1/25 माइनस 33.33 इज इक्वल्स टू 1/q। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम हम ऐसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 33.33 बचेगा, और इन दोनों को 33.33 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 33.33 माइनस 25, तो ये बचेगा 8.33, और 25 को 33.33 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हम कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 8.33, 25 मल्टीप्लाई बाय 33.33, 833.25 इज इक्वल टू 1/q। हमें क्यों मालूम करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा किया, जब इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसको 8.33 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 100। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ इमेज आपके पास आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या मालूम करना है, अब मालूम करना है हमें एच आई, दैट इज साइज ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स, साइज ऑफ इमेज के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन फॉर एच आई, एच आई के लिए क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। क्यू की जगह आएगा स्टूडेंट्स 100, पी की जगह आएगा 33.33, और एच आई की जगह आएगा, वही तो मालूम करना है, एच ओ की जगह क्या आएगा 4। तो एच आई मालूम करना है, 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स 100 × 4 33.33, और 100 × 4 होता है 400। तो 400 को अगर हम डिवाइड करें 33.33 से तो आंसर क्या आएगा देखते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 33.33, 12 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू बहुत इजी है और ये क्वेश्चन नंबर टू मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स इमेज का डिस्टेंस निकालें, और इमेज के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्यू। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ये कह रहे हैं कि इमेज का डिस्टेंस निकालें अगर ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 डिस्टेंसेस दिए हैं, मैं सिर्फ एक डिस्टेंस लेके ये कराऊंगा, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो F पता है, P पता है, मालूम क्या करना है, Q मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला कौन सा है, 1/F इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। तो हम निकाल लेते हैं, 1/F की जगह आएगा 10, 1/P की जगह आएगा 50, और 1/Q की जगह आएगा क्यू। 1/Q के साथ 1/50 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50 इज इक्वल्स टू 1/Q। इन दोनों को एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 50 को 10 से डिवाइड करें आंसर आएगा 5, 50 को 50 से डिवाइड करें आंसर आएगा 1, तो 5-1 इज इक्वल्स टू 4/50। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, 2 × 4 225 ज़ा, तो दिस बिकम्स 2/25 इज इक्वल्स टू 1/Q, और इसको क्यू निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो दिस बिकम्स 25/2 इज इक्वल्स टू क्यू, और 25 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया होगा मैट्रिक का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहे हैं टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस हैं और वो दो लेंस कौन से हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैं, और वो दोनों साथ कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और एक की फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। वॉट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन, इन दोनों की लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, और वॉट इज़ द पावर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर्स, इनकी फोकल लेंथ क्या होगी, पहली चीज़ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, और इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, दूसरी चीज़ निकालनी है इन डायोप्टर। आसान सवाल है स्टूडेंट्स, तो डेटा में हम यहाँ लिखेंगे डेटा, फोकल लेंथ ऑफ पहला लेंस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ दूसरी लेंस 50 सेंटीमीटर, और दो चीज़ें कौन सी निकालनी है, एक फोकल लेंथ निकालना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, और दूसरी चीज़ पावर निकालनी है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, अगर दो लेंस एक साथ कॉन्टैक्ट हो तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, ये तो वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फोकल लेंथ, सॉल्यूशन फॉर फोकल लेंथ, तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1, F1 की जगह आएगा 40, F2 की जगह आएगा 50, 40 और 50 का स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आएगा, इसका ले लेते हैं एलसीएम 40 और 50 का, इसका एलसीएम आया 200 को 40 से डिवाइड करें आंसर आएगा 5, और 200 को 50 से डिवाइड करें आंसर आएगा 4, तो 5-4 आएगा आपका 1, तो 1/200, और हमें निकालना है F,
तो इसको रेसिप्रोकल कर दें और इसको भी रेसिप्रोकल कर दें। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका लेंस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स पावर निकालनी है डायोप्टर में, डायोप्टर में निकालने के लिए पावर जो होनी चाहिए, सॉरी डायोप्टर में निकालने के लिए फोकल लेंथ आपकी होनी चाहिए किस में, फोकल लेंथ आपकी होनी चाहिए मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, आपकी फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं 100 से। तो 200 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो क्या आंसर आएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 200 और 100 से अगर डिवाइड कर दूं तो 2 आंसर आया, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो ये तो स्टूडेंट्स आ गया मीटर में। अब हम आसानी से डायोप्टर में इसकी पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू 1/F, P एज इट इज़ 1/F की जगह क्या आएगा, F की जगह आएगा 2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जीरो पॉइंट फाइव इसका आंसर आया डायोप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ 1/F, ये 200 इसका एलसीएम आया था, 200 को 40 से डिवाइड किया आंसर आया 5, 200 को 50 से डिवाइड किया आंसर आया 4, 5 + 4। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, ये प्लस है हमने यहाँ माइनस लगाया, तो ये प्लस और 5 + 4 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 9/200। सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे F को रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस बिकम्स 200/9। तो 200 को 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ क्या आंसर आएगा, 200/9 22.22। तो ये आंसर आया है 22.22 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा 22.22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 0.222। तो ये आया फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 0.222 मीटर और स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 0.222। तो 1 को डिवाइड करते हैं 0.22 से, 0.222 4.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 4.5 डायोप्टर। तो ये स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन मैं स्कोर अप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इफ पैरेलल रेज एंटरिंग द फर्स्ट लेंस लीव द सेकंड लेंस पर। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स दो लेंस हैं, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है स्टूडेंट्स, और इन दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, एक लेंस की एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स निकालना क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, और दो लेंस के दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं एल। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इफ़ पैरेलल रेज एंटरिंग द फर्स्ट लेंस, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं पहले लेंस से, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये तमाम रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक जगह कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज किया फर्स्ट लेंस, लीव द सेकंड लेंस एज पैरेलल रेस, ये स्टूडेंट्स यहाँ से कन्वर्ज हुआ और दोबारा ये इन लेंस पे जब जाएगा दोबारा ये रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स पैरेलल रेस थी, पैरेलल आ रही थी, कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद दोबारा क्या हो गई,
पैरेलल हो गई। तो स्टूडेंट्स ये आपका फोकस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, यह आपकी फोकल लेंथ है F1, और ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है F2। पैरेलल आएंगी और पैरेलल जाएंगी कब, स्टूडेंट्स ये कंडीशन याद कर लें, अगर दोनों के लेंस का डिस्टेंस जो होगा इन दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। दोबारा सुने, रेस पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। स्टूडेंट्स क्यों आई पैरेलल और क्यों गई पैरेलल, इसका कंडीशन याद कर लें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम कहते हैं F1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है F2। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी पैरेलल वाली, जब दोनों की फोकल लेंथ का सम इन दोनों लेंस के डिस्टेंस के बराबर होगा। दोनों की फोकल लेंथ का सम इन दोनों के टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ये डेटा मिल बना लेते हैं हम। F1 लिखते हैं हम 20 सेंटीमीटर, F2 लिखते हैं हम 4 सेंटीमीटर, और निकालना है क्या है, निकालना L है। स्टूडेंट्स कंडीशन मैंने बता दी थी, जब भी पैरेलल आएंगी पैरेलल जाएंगी, कब जाएंगी पैरेलल, जब टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा इन दोनों की फोकल लेंथ के सम के, और फोकल लेंथ का सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और L आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों फोकल लेंथ को आप इजीली ऐड कर दें, यू विल गेट द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 है, अ पैरेलल लाइट बीम इज डाइवर्ज बाय अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। एक लेंस है कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है -12.5 सेंटीमीटर। डेटा बना लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस होती है माइनस में, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। एंड देन मेड पैरेलल वंस मोर बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स जिस तरह का सवाल पहला था, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, वैसे ही सवाल ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर दें। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है -12.5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हाउ फार आर द टू लेंस अपार्ट, हाउ फार आर द टू लेंस अपार्ट, कितनी दूर ये लेंस है, वही स्टूडेंट्स दो लेंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है जिसको हम कहते हैं L, और सॉल्यूशन यहाँ पे ये वही केस है कि पैरेलल रेज आ रही हैं पैरेलल जा रही है। तो ऐसा कब होगा, जब टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा दोनों की फोकल लेंथ के सम के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई कर दें, L इज़ इक्वल्स टू F1 प्लस F2, L इज़ इक्वल्स टू -12.5 प्लस 50, दिस 37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। तो स्टूडेंट्स ये इस वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।